Hello students, myself Dr. Subhas Kumar Divedi, your accounts teacher. I welcome to all my new students in Marwadi College Ranchi, the one of the best college in Bihar and Jharkhand. First of all, I discuss about your papers in commerce. There are three papers. Number one is compulsory paper. Number two is optional paper. And number 3 is additional paper in compulsory paper there are 3 subjects number 1 is 100 marks hindi either 100 marks english and 50 marks hindi and 50 marks english number 2 is accountancy and number 3 is business studies number 2 optional paper in this optional paper in this group there are two optional subject and you can choose two optional subject out of four subjects number 1 is economics number 2 is commercial arithmetics number 3 is entrepreneurship and number 4 is computer science you can choose two optional subject out of these four papers these four subject and out of these four subject you can also take additional paper this additional पेपर इज डिपेंड अपॉन यू इफ यू वॉन्ट टू टेक दिस देन गुड एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक दिस देन ऑल्सो गुड अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने सब्जेक्ट मैटर्स पर अपने सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पर हाउ इट इज कम्स इंटू द फोर्स इंटू द एग्जिस्टेंस अकाउंटेंसी बहुत पुरानी एक परंपरा है अगर हम लोग सही मायने में माने तो जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुए जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और इस सभ्यता के विकास में जैसे ही मनी ने अपने प्लेस को एक्वायर किया वैसे ही अकाउंट्स का डेवलपमेंट भी होना शुरू हो गया स्टार्टिंग में या यू कहले अभी भी बहुत जगहों पर आप गौर करेंगे कि ये सिस्टम अभी भी है ये आपके पास कुछ गुड्स हैं मेरे पास कुछ अलग गुड्स हैं हम लोग एक दूसरे से आपस में गुड्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके पास गेहूं है और मेरे पास सपोज आपके चावल है हम लोग एक दूसरे से गुड्स का गुड्स गुड्स से गुड्स का ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड barter सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली समय के साथ साथ जब आपको वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त होने लगे और मनी ने अपने प्लेस को एक्वायर किया मनी का डेवलपमेंट हुआ तो वैसे ही अकाउंटेंसी का भी डेवलपमेंट हुआ वैसे ही अकाउंटेंसी भी स्टार्ट हुआ चाहे हम वैदिक सभ्यता की बात करें चाहे हम बेबलोनियन की सभ्यता की बात करें चाहे हम मनु संहिता की बात करें हर जगहों पर लेखांकन के बारे में कुछ ना कुछ प्रमाण मिलता है लेकिन आज के डेट में जो हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में ये फिफ्टी सेंचुरी में आया पंद्रहवीं शताब्दी में ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमारे सामने आया फोर्टीन हंड्रेड फोर में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन लुकास पेसियोरी जिनका रियल नाम फरा लुका पेसियोली था इन्होंने डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने ये एक बुक लिखी थी इटली के वेनिस शहर के रहने वाले ये फ्रेंच लैंग्वेज में जो बुक लिखी गई थी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हंग ओल्ड कैसल के द्वारा 1543 में अकाउंटेंसी की अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो 19वीं शताब्दी नाइनटीन्थ सेंचुरी जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि नाइनटीन्थ सेंचुरी में ही हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए थे और इसी नाइनटीन सेंचुरी के टर्म कंडीशंस में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किए गए ट्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी में और डेवलपमेंट आया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में अकाउंटेंसी में और ज्यादा डेवलपमेंट आया बहुत सारे ब्रांचेस तैयार किए गए इन शॉर्ट हम लोग ये समझ लें कि अगर बिजनेस है तभी अकाउंटेंसी है इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटेंसी तो इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस व्यापार को समझना है तो हमें अकाउंटेंसी समझना होगा और अकाउंटेंसी को समझना है तो हमें व्यापार बिजनेस को समझना होगा क्योंकि अगर हम बिजनेस करेंगे तभी हमें अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत है अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो हमें अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग मीन्स हम अकाउंट्स में उन्हीं चीजों का रिकॉर्डिंग करते हैं जो मनी एंड मनीज वर्थ में रिकॉर्ड किए गए हो जो मुद्रा या मुद्रा रूपी चीजों में जिनका रिकॉर्डिंग होता है पैसे से जिन चीजों का लेन देन हो रहा हो भले यह पैसा आपको इमीडिएटली मिल जाए या फ्यूचर में आपको मिलना हो मनी एंड मनीज वर्थ से रिलेटेड चीजों का हम रिकॉर्डिंग करते हैं स्टार्टिंग में केवल और केवल बुक कीपिंग था बुक कीपिंग बुक मीन्स पुस्तक एंड कीपिंग में रखना पालन करना इसलिए इसे हम लोग पुस्त तो पालन कहते थे जैसे जैसे हमारा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया बिजनेस जैसे जैसे विस्तृत होते चले गए व्यापार का फैलाव होने लगा हमें और भी चीजों का डेवलपमेंट करना पड़ा और हमारा बुक कीपिंग यानी ये सिस्टम जो है डेवलप करके अकाउंटेंट बना और अकाउंटिंग को डेवलप करके हम लोगों ने अकाउंटेंसी बनाया अकाउंटेंसी इज होल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग देन अकाउंटिंग देन अकाउंटेंसी ये हमारे डेवलपमेंट एरा है अकाउंटिंग के तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है आपका ये कॉमर्स में आप आए हो कॉमर्स को आपने चूज किया है तो अकाउंट्स पर आपको विशेष ध्यान देना होगा इस पर कमांड करने के लिए आप डेप्थ में उतरिए और अपने सब्जेक्ट पेपर को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है आप बहुत इंजॉय कीजिएगा इस सब्जेक्ट पर इस पेपर में आपको बहुत मजा आएगा बहुत इसके बारे में आप जानने को मिलेगा तो हम लोग फर्दर अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में इसके बारे में और चीज जानेंगे तब तक के लिए थैंक यू